डॉक्टरों ने जब सच बताया कि अमिताभ बच्चन को ये बीमारी कैसे हुई, तो किसी को यह विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टरों का यह कहना था कि बिग बी शराब या सुअर का मांस तो नहीं खाते हैं, पर वो पेप्सी पीते हैं और पिछले 10 सालों से वो पेप्सी पी रहे थे और इसी वजह से उनकी आंत सड़ गई। दोस्तों, शायद आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन पेप्सी का विज्ञापन किया करते थे और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब पेप्सी का विज्ञापन नहीं करेंगे। पर उन्होंने एक सच छुपाया पूरी दुनिया से। उनसे जब पूछा गया कि जब पेप्सी पीकर आपकी आंत सड़ गई, तो ना जाने भारत में कितने लोग पेप्सी, कोक्स और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं और उनके भी आंत सड़ सकती है, तो क्यों ना आप मीडिया में आकर ये सबको बता दें कि पेप्सी कितना हानिकारक है हमारे सेहत के लिए। ऐसे भी ये बहुत बार कहा गया है कि पेप्सी, कोक या फिर अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स में टॉयलेट क्लीनर है। जांच करने पर पता चला है कि पेप्सी, कोक और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक में टॉयलेट क्लीनर की मात्रा पाई गई है। जब अमिताभ बच्चन को बोला गया कि आप मीडिया में आकर क्यों ना सभी को ये बात बता दें, तो बिग बी ने कहा कि वो पेप्सी से 100 करोड़ रुपए लिए हैं उनका विज्ञापन करने के लिए, और वो विज्ञापन करने से पहले एक एग्रीमेंट पेपर में साइन किए थे जिसमें लिखा गया था कि आप पेप्सी कंपनी के अगेंस्ट में कभी भी कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी बुरा बोलते हैं, कंपनी को बदनाम करते हैं, तो आपके ऊपर 500 करोड़ का मुकदमा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने इस सच को किसी भी मीडिया या फिर कहीं पर भी नहीं बोला। इस सच को पूरी दुनिया से छुपाया और मीडिया में आकर किसी को नहीं बताया। जब अमिताभ बच्चन को पेप्सी पीने से डायवर्टिक्यूलाइटिस, आंत का कैंसर हो सकता है, तो दोस्तों आपको भी हो सकता है। अब जब भी आप पेप्सी, कोक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं।